विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में शनिवार को 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से राहुल लोधी ने शपथ ली। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं और एक पद अब भी खाली है। वहीं शपथ लेने के बाद गौरी शंकर बिसेन ने मीडिया से बातचीत की। गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि आने वाले चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। महाकौशल में भी आज 13 स्थानों पर हैं हम। सुनिए गौरीशंकर बिसेन ने और क्या कुछ कहा है। दिसंबर के चुनाव में मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महाकौशल में भी आज हम 13 स्थानों पर हैं। चुनाव के बाद हमारी संख्या 25 से अधिक होगी और विंध्य में भी हमारी संख्या बढ़ेगी और पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि गौरी शंकर बिसेन बालाघाट से 7वीं बार के विधायक हैं। छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 1985, 1990, 1993, 2003 में विधायक बने हैं। 2008 में 13वीं विधानसभा के सदस्य भी थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और सहकारिता मंत्री भी रहे हैं। विधानसभा की कई समितियों के सदस्य और सभापति भी रह चुके हैं। साथ ही 1998, 2004 में लोकसभा के सदस्य भी चुने गए हैं। 25 दिसंबर 2000 से भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी भी रहे हैं। साथ ही गौरीशंकर बिसेन मध्य प्रदेश भाजपा के 3 बार उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कॉल आया था, जिसमें उन्होंने शनिवार सुबह 8:45 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने को कहा था। गौरीशंकर बिसेन के समर्थक बालाघाट से भोपाल पहुंचे और उन्होंने गौरीशंकर बिसेन को बधाई भी दी है। वीडियो डेस्क amazon.com। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।